panjang. मेरा नाम डॉक्टर बनवारी लाल गोंड है और मैं वाराणसी से हम लोग हैं। आज जो है गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का 458वां बलिदान दिवस हम लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं। जैसा सर्वविदित है कि महारानी दुर्गावती जी मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में ऐसी प्रथम नारी शक्ति रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आह्वान एकता का आह्वान किया था और इन्होंने अकबर को 4 युद्ध में हराया था और हम लोग उनके बलिदान दिवस को आज शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने अपने स्वाभिमान आन बान शान के लिए अंतिम युद्ध में जो कुठाराघात के कारण विश्वासघात के कारण जब ये गिर गए मुगल सेना से तो अपने छाती में कटार मार के इन्होंने स्वयं को शहीद कर लिया। तो पूरे संपूर्ण देश में गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में हम सभी मनाते जनजाति समाज। आज क्या विशेष कार्यक्रम हो रहा है? आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आज से लेकर 30 जून तक बनारस सोनभद्र मिर्ज़ापुर कई जनपदों में महिलाओं को हम लोग जो हमारी ट्राइबल समाज की महिलाएं हैं जो अपने विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनके बीच में आदिवासी चौपाल लगाएंगे और उनको वहीं पर हम हस्तशिल्प और आपके विभिन्न लघु उद्योग कुटीर से जुड़े हुए या भाषा से जुड़े हुए लोग जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र सम्मान देकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच में जो हैं अपर महाप्रबंधक BHL वाराणसी हेल्प के यूनिट के हेड हैं श्री हीरा सिंह पांगती जी हैं। हमारे बीच में एसोसिएट प्रोफेसर BHU से हिंदी विभाग की डॉक्टर उर्वशी गहलोत जी हैं। हमारे बीच में श्री हरीश अग्रवाल जी हैं और नेहरू युवा केंद्र के श्री निखिल गुप्ता जी हैं समन्वयक के जिला समाज कल्याण अधिकारी जो अभी हम लोग बीच में हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है कि जो जनजाति समाज के विरासत जो वाराणसी और आसपास जिलों में जो फैला हुआ है जैसा कि आज का विषय भी है कि मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में गोंडवाना साम्राज्य का योगदान। तो बूंदी पर कोटा घाट पर जो हमारा गोंडवाना साम्राज्य का जो पुरातात्विक महत्व का किला है और चकिया में हमारा जो बनारस का हिस्सा ही रहा है चंदौली वहाँ जो दिलकुशा में जो हमारा किला और ये सब चीज़ें हैं वहाँ हमारा राज चिन्ह जौनपुर में हमारे राज चिन्ह है। तो कई बार ये होता है कि हम अपनी संस्कृति और अभिव्यक्ति को बता नहीं पाते जिससे बार बार सवाल खड़ा होता है कि भैया यहाँ पर गोंड पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। तो हम अपनी कल्चरल विरासत को हम बताने का काम करेंगे जिससे लोग इतिहास को जानें और आगे समझें और हमारे बारे में सोचें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।